दोस्तों लगातार भारत को घेरने की दुनिया भर के अंदर प्रयास जारी है, जहां एक बहुत ही बड़ी खुफिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि मुस्लिम देशों ने भारत को चुनौती देने और भारत के हितों को काउंटर करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक वे कौन कौन से देश है जो भारत के खिलाफ इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और आखिर इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किस प्रकार से घुसपैठ की कोशिश की जाएगी, आगे आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन जिस प्रकार की रिपोर्ट सामने आ रही है उससे इस बात की चिंता जरूर पैदा हो जाती है कि आखिर क्यों भारत के खिलाफ ये साजिश की जा रही है और आखिर में कौन से देश है जो भारत के खिलाफ इन साजिशों को भड़काने में लगे हैं। शायद आप में से अधिकतर व्यूवर जानते हैं कि वे कौन से देश है जो ये नीच काम करने में लगे हैं, लेकिन भारत हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देगा, ये तो भारत ने दिखा दिया है और कई सारे मामलों में इस बात का भी खुलासा हो चुका है। दरअसल दोस्तों कतर, तुर्की, पाकिस्तान का गठजोड़ मुस्लिम ब्रदरहुड के आशीर्वाद से कट्टरपंथी इस्लामवादियों का नया केंद्र बन रहा है, जहां लगातार कट्टरवाद का बीज बोया जा रहा है। एक और जहां अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा करके चरमपंथी विचारधारा को पहले से ही बोल दिया है, वहीं अब इन देशों के अंदर भी यही हालात पैदा हो रहे हैं। दोस्तों डिस इन्फो लैब की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि TRT वर्ल्ड से लेस मुस्लिम ब्रदरहुड यानी कि MB ने भारत के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है जिसमें नई दिल्ली के आर्थिक हितों को लक्षित करना है। इसलिए दोस्तों इन संगठनों ने भारत के खिलाफ इस अभियान को तेजी देने के लिए अनेक मुस्लिम देशों के अंदर भारत के उत्पादों का बहिष्कार करवाना शुरू कर दिया है और भारत को आर्थिक चोट देने की कोशिश में लगे हैं। दरअसल ट्विटर पर एक हैशटैग बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था, तब से ये चल रहा है, जबकि सांठगांठ ने इसे एक रंग देने की कोशिश भी की। डिस इन्फो लैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पहली बार नहीं है जब भारत के खिलाफ ये कोशिश की जा रही है। डिस इन्फो लैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पहली बार नहीं है जब भारत के खिलाफ ये कोशिश की जा रही है। ये 2018 में शुरू किया गया था, तब से ये एक वार्षिक अनुष्ठान के तौर पर चालू है। इसका उद्देश्य इसे धीरे धीरे गति देना है और लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ाना है। दोस्तों जैसा कि अपेक्षित था, इसमें बहुत सा एजेंडा पाकिस्तान तुर्की से चलाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत से सबसे ज्यादा नफरत पाकिस्तान और तुर्की करते हैं, जबकि इस परवर्ती की उत्पत्ति मिस्र में हुई प्रतीत होती है, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का एक संगठन है जो चरमपंथी विचारधारा को मुस्लिम देशों और गैर मुस्लिम देशों में बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। यह संगठन 9/11 अमेरिकी हमलों सहित कई खतरनाक आतंकी साजिशों में भी नाम सामने आ चुका है। आज मुस्लिम ब्रदरहुड इतना सक्रिय हो रहा है कि इस बार खास बात यह रही कि कई समाचार लेखों ने भी इस पर्वती को बढ़ावा दिया है, हालांकि अपने अंदाज में, लेकिन अल जजीरा सहित ज्यादातर MB से जुड़े दिखाई दिए हैं और जिस प्रकार से रिपोर्ट आ रही है अब लक्ष्य भारत को लग रहा है, लेकिन वास्तविक लक्ष्य सऊदी अरब रहा है। हालांकि दोस्तों भारत के साथ अच्छे संबंध रखते हुए सऊदी अरब अमीरात और विशेष रूप से क्राउन प्रिंस वहां के जो है मोहम्मद बिन सलमान, वो उनको भी लक्षित कर रहा है और उनको भी भारत से हटाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ये कोई एक बार का अभियान नहीं है, QTPI नेक्सस से सऊदी संयुक्त अरब अमीरात को निशाना भी बना रहा है, इस्लामी दुनिया के नेता होने के अधिकार पर वे सवाल उठा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस आर्थिक बहिष्कार के लिए लक्षित एकमात्र देश नहीं है, इस अभियान में फ्रांस को भी निशाना बनाया गया है। फ्रांसीसी उत्पादों का भी बहिष्कार करने के लिए कहा गया है। ये केवल भू रणनीतिक कदम नहीं है, इसके पीछे एक ठोस तार्किक तर्क भी है। वहीं तुर्की वार्षिक हलाल प्रदर्शनी आयोजित करते रहता है, जो इस मामले में खुद को प्रमुख मध्यस्थ के रूप में रखने की कोशिश कर रहा है। इस गठजोड़ से जो आर्थिक शक्ति पैदा हो सकती है वह न केवल मुस्लिम दुनिया को प्रभावित करेगी बल्कि पूरी दुनिया को ही प्रभावित करेगी।